तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यस करो क्या? कराची ट्रांसफर हो रहा है आपका? नहीं यार ये बात नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा सा घर चूज किया, बस जैसी चाबियां मिलेंगी अब्बा जी से बोलूंगा कि रुखसती का प्लान बनाए। अरे क्या हो गया, तुम खुश नहीं हो क्या? जाहिर तो क्या मैं यहां से चली जाऊंगी? है शादी के बाद लड़की को रुखसत भी तो होना है ना। हाँ लेकिन वो अपने मायके से अपने ससुराल जाते हैं। आप भूल गए हैं कि ये मेरा ससुराल है। जाहिर है एक औरत की जगह वही होती है जहां पे उसका शौहर हो। नहीं हाँ लेकिन 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 कुछ नहीं यार। देखो तुमने मेरे से शादी की है या मेरे घर वालों से, अब तुम्हारी खुशी कहां पे है, मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ, ये तुम खुद डिसाइड कर लो। ओके तुझे ना इस वक्त रेदा के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। फुरकान उसे स्कूल भेजे या ना भेजे उसकी मर्जी। अरे अम्मा कैसे परेशान हो, वो उम्र का बच्चा अगर रेदा से आगे निकल गया ना फिर क्या होगा? मैं दफा कर उसे, निकलता है आगे तो निकलने दे। अरे हमें तो फिक्र होनी चाहिए इस कोठी की और जायदाद की। हाँ रेदा का क्या है, कल को उसकी शादी होगी, वो ब्याह के चली जाएगी। तू अपने हाथ से ये माल ना जाने दे, समझी? फिर से आ गए यहाँ पे, तुम्हें मना किया था ना मेरे रूम में आने से। मैं और चंदा चाची कल पिकनिक पे जाना चाहते हैं, तुम भी चलना हमारे साथ? तुम यहाँ पर आकर मुझे जताना चाह रहे हो कि तुम लोग बाहर पिकनिक पर जा सकते हो और मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझ पर घर से निकलने की पाबंदी लगी हुई है। ऐसा नहीं है रेदा, तुम्हारे बगैर हमें मजा नहीं आएगा और हम सब चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम जाते हो या मैं? मैंने कभी कभी आपसे कोई फरमाइश की? कभी कहा कि मुझे मुल्क से बाहर ले जाए सैर सपाटे कराने? कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए कि मेरे नजदीक आपका ये घर ज्यादा अहम था। इसे जोड़े रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी तो नहीं है। सलमान इस्लामाबाद में घर क्यों ढूंढता फिर रहा है? चंदा इस घर में आके अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं संभालती? क्या सिर्फ ये मेरा ही काम है? सबको अपनी जात, अपनी खुशियां और अपना मफाद अजीज है। एक आप ही हैं जो इस घर की फिक्र में घुले चले जा रहे हैं और आपकी वजह से मैं, आप देख लीजिएगा कि सब अपना अपना हिस्सा लेकर यहां से चलते बनेंगे और मैं और आप यहां पे हाथ मलते रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब हम लोग बाहर घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप रिदा को भी हमारे साथ जाने के लिए इंफॉर्मेशन दे दें। कौन कौन जा रहा है? मैं खतीजा, उमर और चंदा को लेकर जा रहा हूँ। खैरियत है, आजकल बड़े घूमने फिरने के प्लान बन रहे हैं। इसमें बुराई क्या है भाई साहब, हमने अपनी इस गुजरती हुई जिंदगी में काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और फैमिली को कम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फैमिली की एक अलग ही वैल्यू जिसे हम नाशना रहे। बस यही सारी चीजें सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो नहन कर लिया जाए, घर वालों के साथ निकला जाए। और मैंने नोटिस की एक बार, जब से मैंने खदीजा को अपने साथ आउटिंग पर लेके जाना शुरू किया तो उसकी पर्सनैलिटी में बहुत मुस्बत चेंज आया, उसका एक्सपोजर अच्छा हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ अब बहुत बहुत अच्छी हो गई।
मैं चाहूंगा कि आप प्लीज रीता को भी हमारे साथ जाने की परमिशन दे दीजिए। इससे तो बेहतर है कि वो अपनी ऊट पटांग सहेलियों से बातें करे, उनके साथ जाए। हमारे साथ जाएगी तो घूम फिर लेगी, माइंड फ्रेश हो जाएगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। भाई तुम्हारी अपनी फैमिली है, तुम एंजॉय करो, उसको खामखा बीच में क्यों घुसा रहे हो? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम एक ही तो फैमिली है। रिदा हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है क्या? अरे छोड़ो यार ये लंबी बहस, फायदा कुछ नहीं। रिदा को उसके हाल पर छोड़ दो। सर पूछो बेटा, तो इस दुनिया में अगर कोई मुखलिस है तो वो है तुम्हारी माँ और भाई, और ये शोहर जो होते हैं ना, ये तो आज दिन के सांप होते हैं। कितनी भी इनके साथ वफा कर लो, खिदमतें कर लो, लेकिन ये अपने बहन भाई के ही होते हैं और किसी के नहीं। ठीक कह रही हो माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सिर्फ कि मैंने भी ना कभी फुरकान के घर वालों को ज्यादा मुंह नहीं लगाया, कभी कोई दिल से उनकी खिदमत नहीं की, बस समझो ढोंगे किया। सलमान और नुमान ये भी तो शोहर है ना, इनको देखा कैसे अपनी बीवियों के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं। अरे यही तो फर्क मैं तुझे समझा रही थी, तो सारी जिंदगी तुमने खिदमत करने का ढोंग रचाया, कभी अपने शोहर पे तवज्जो नहीं दी, ना उसकी खिदमत की, ना उससे मोहब्बत की, ना उसको रचाया। अरे अभी भी वक्त है, अपने शोहर को ना अपनी मुट्ठी में कर ले। वो तो मैं ये कह रही थी बेटा कि इतनी मायूस क्यों हो रही हो? अरे सब छोड़ के चले गए तो क्या हुआ, फुरकान तो तेरे साथ है ना, बस मियाँ की मोहब्बत होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। अरे आप, अब उस बेचारी ने क्या करना है, वो अपने कमरे में भूखी प्यासी पड़ी है और क्या है। अच्छा उससे कहो कि तैयार हो जाए, हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। जी? अरे सोच कह रही है, जब शोहर कह रहा है तो जा जाके तैयार हो। ये तो अब्बा जी से इजाजत? कोई जरूरत नहीं, जब नुमान और सलमान नहीं लेते तो हम क्यों ले इजाजत। जाओ तैयार। राहत मासी। जी साहब। इतनी खामोशी क्यों है इधर पे, ना कोई ऊपर है ना यहाँ कोई आवाज सुनाई दे रही है, कहाँ चले गए सब लोग? सब के सब घूमने फिरने गए, मैं अपनी अपनी फैमिलियों के साथ घर से निकल गए। अपनी अपनी फैमिली के साथ क्या मतलब है तुम्हारा? वो ज्यादा मनाना बेचा, मतलब वही जो आप समझना नहीं चाहते और जिसे कहते हुए हमारी जवान जलती। जे बखत भी आना, हम तीनों भाई एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते, एक दूसरे के बगैर निबाला हलक से नहीं उतरता था छत पूछो। और अब देखो जरा, अरे भैया जाना ही था घर से घूमने फिरने, और एक ही बखत में जाना था तो अलग अलग रास्तों पे जाने की क्या जरूरत थी, एक ही जगह चले जाते, क्या मौत पड़ रही थी। बेचारी छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा, अब भले माने बुरा माने, बेगम साहिबा ने तिनका तिनका करके ये घर बनाया था, इसका छिराजा बिखर रहा है, अब बिखर रहा है। और फिर कहेंगे भले आप हमारे पे हाथ ही उठा लो, हम कहे बगैर नहीं रहेंगे। ये छिराजा जब से बिखरना शुरू हुआ, जब से आपने अपना घर मलका खेत नाम किया, चंदा आज घर पर बहुत खामोशी है, सब लोग कहीं गए हुए क्या? जी वो नुमान भाई खदीजा भाभी और उमर को लेके ड्राइव पे गए हैं, मलका भाभी भी उन्हें देखा देखी फुरकान भाई को लेके निकल गई हैं। अच्छा जबरदस्ती लेके गई है। तुम नहीं गई उनके साथ, उमर से तो तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है। हाँ नुमान भाई जाने के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे लेकिन मैं नहीं गई। चलो अच्छा हुआ तुम नहीं गई,
वैसे भी शादी के बाद औरत अपने शौहर के साथ बाहर जाती हुई अच्छी लगती है। अच्छा नहीं लगता कि सबके साथ बाहर जाए। अम्मी वो मुझे आपसे बात करनी थी। वो सलमान कह रहे थे कि इस्लामाबाद में घर लेने के बाद मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। अच्छा तो उसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम तो जानती हो सारी जिंदगी सलमान इस घर से दूर रहा है। अब उसकी ख्वाहिश होगी कि वो अपना अलग घर बसाए। शादी भी उसने इसलिए तो की थी। लेकिन अम्मी ये घर छोड़कर ये लेकिन और अगर वगर तुम्हारी जबान पर कब से आ गए? शादी से पहले तुमने नहीं सोचा था क्या? और एक बात कान खोल कर सुन लो चंदा, अगर तुम्हारा इरादा इसी घर में रहने का है तो मैं तुम्हें इस बात की इजाजत कभी नहीं दूंगी। अल्लाह मियां तुम्हें नजरे बद से बचाए। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अलग घर बसाने का मौका मिल रहा है। भतीजा का हाल नहीं देखा तुमने? कुछ दिनों में मलका जरूर अपनी चाल चलेगी, और इससे पहले कि वो अपनी कोई गहरी चाल चले तुम इज्जत के साथ अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन अम्मी ये भी तो मेरा ही घर है ना। और फिर आपने देखा नहीं अनवर मामू कितने बुझे बुझे से रहते हैं? मैं उनकी कोई भी मुस्कुराहट वापस लाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मलका भाभी भी ठीक हो जाएंगी, सब एक हो जाएंगे। बस सब बहुत घूमना फिरना हो गया, जाओ शाबाश कमरे में जाके पढ़ाई करो। क्या लगता सब सो गए? कोई नहीं सोया, सब घूमने गए हैं बाहर। घूमने गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, फुरकान में अपनी बेगम और बच्ची को लेके बाहर घूमने फिरने गए, खाना भी बाहर से खा के आएंगे। तुम लोगों के लिए लगाए या खा के आए? नहीं, हम खाना घर पे ही खाएंगे अब्बा जी के साथ। अब्बा जी तो कब कच हो गए, कह रहे थे हमें भूख नहीं, हमें खाना नहीं खाना। अब बताओ लगाए खाना? नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे, जो मजा सबके साथ रहने में वो अलग रहने में कहाँ है? तुम्हें मजों की पड़ी है, मेरी भी कोई मजबूरी है यार। आपको कराची में इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, आप ट्राई तो करें। तुम्हें क्या लगता है कि जॉब्स दरख्तों पर लगी होती हैं, कि मैं एक दरख्त चढ़ूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी? बी प्रैक्टिकल चंदा, फिर इतना खर्चा किया है मैंने, यहाँ घर लिया, सामान मूव इन कराया, आखिर घर वालों में से किसी को इस बात से मसला नहीं है। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारी अम्मी वहां पर है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है बिल्कुल यही बात है, तुम मुझसे ज्यादा अपनी अम्मी की फिक्र करती हो, इसलिए बहाने बना रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं तुमसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक तुम यहाँ नहीं आओगी। मैंने तुम्हारा टिकट भिजवा दिया, आना हो तो आ जाना, वरना फाड़ के फेंक देना। ठीक है, बात नहीं करनी तो ना करें, मैं भी अब फोन नहीं करूंगी। आपने देखा निदा कितनी जल्दी सब कुछ भूलकर कितनी संजीदा हो गई? हाँ, पर मैं हम तो सारी उम्र इस घर का और इसके घर वालों का ख्याल करते आए हैं, अपनी बच्ची पर तो हमने तवज्जो ही नहीं दी। नुकसान किसका हुआ? हमारा अपना। नुमान को देखे, उमर का कितना ख्याल रखता है। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, रिदा को उमर से ज्यादा अहमियत मिलती रही है इस घर में। अरे रहने दे, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप जब भी बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वापस आते हैं तो उमर के लिए तोहफों का ढेर लगा देते हैं। हाँ तो उमर भी तो अपना ही बच्चा है, और अब देखो ना नुमान कितनी जिद कर रहा था रिदा को अपने साथ बाहर ले जाने की। उमर और खतीजा की जिद करने पर, ताकि उसे बाहर ले जाकर ताने दे, पर मेरी बच्ची सांसे महरूमी और एहसासे कमतरी का शिकार हो जाए। नहीं 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 नहीं, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ अपनी गलतियों को, अपनी गफलत को, अपनी कोताहियों को। जितना टाइम मैं अपने घर वालों को देता रहा हूँ, अब मैं उतना ही टाइम तुम लोगों को भी दूंगा, उतनी ही अहमियत दूंगा, उतना ही ख्याल रखूंगा। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर घर का माहौल ख़राब करें। भाई अब रहना तो इसी घर में है ना, सबके साथ मिल के। तुम खाम खा बातों को अपने दिल में जगह मत दिया। भाई साहब,
सर बात सुनिएगा। कैसा रहा आपका कल का डिनर? अच्छा। तो आपने बताया नहीं कि आपका कोई अलग से प्लान है, अदरवाइज मैं रिदा को साथ ले जाने के लिए इंसिस्ट कभी ना करता। नहीं, वो अचानक से प्लान बन गया था और रिदा भी नाराज थी तो उसको भी साथ ले गए। अगर तुम लोगों के साथ जाती तो हमारे साथ जाती तो क्या हो जाता? भाई साहब, हमें उसे खुश करने के लिए लेकर जा रहे थे अपने साथ। और उसका छोटा भाई है, कोई गैर नहीं। इनफैक्ट हमने ये प्लान तो बनाया ही रिदा के लिए। अरे यार, ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी जो इतना बुरा मना रहे हो तुम? भाई साहब, कोई बड़ी या छोटी बात नहीं है। मुझे तो किस बात का नहीं हो कि आपने रिदा को हमारे साथ जाने के लिए इनकार कर दिया, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि रिदा को जानबूझकर हमारे साथ जाने की इजाजत नहीं दी। फिर हम जैसे ही बाहर निकले, हमारे जाने के बाद अब रिदा को साथ लेकर चले गए बाहर। ये क्या बात है? तो ऐसा क्या हो गया मेरे भाई? क्या अगर मैं पहली बार अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए चला गया हूँ तो सबको एतराज? तुम लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते हो, मैंने और मलिका ने कभी एतराज किया इस बात पे? सॉरी भाई साहब, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा अपनी बीवी बच्चों के साथ बाहर जाना इतना बुरा लगे। अगर पहले मालूम होता तो मैं कभी भी ना जाता। हाँ हाँ, मैं भी तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अपनी फैमिलीज के साथ जाओ, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या फिर मेरी फैमिली हो। अगर मैं पहली बार अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए चला गया हूं तो सबको एतराज? तुम लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते हो, मैंने और मलिका ने कभी एतराज किया इस बात पे? सॉरी भाई साहब, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा अपनी बीवी बच्चों के साथ बाहर जाना इतना बुरा लगे। अगर पहले मालूम होता तो मैं कभी नहीं। हाँ हाँ, मैं भी तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अपनी फैमिलीज के साथ जाओ, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या फिर मेरी फैमिली हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या फिर मेरी फैमिली हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या फिर मेरी फैमिली हो। देखा मलिका, मैं ना कहती थी हर शादीशुदा मर्द जन मुरीद होता है। बस इतनी सी बात थी, तूने कहा और वो मान गया। अब आगे आगे देख होता क्या है। अब फुरकान ना अपने खूनी रिश्तों को भूल जाएगा और तू जो कहेगी ना, बस वो तेरे सामने मिट्टी के माधु की तरह गर्दन हिलाता जाएगा। अरे अम्मा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे ही पहचानने से इनकार कर दे। अम्मा, तुम कभी कभी करती हो, मगर अच्छी बात की आज तुमने। भाई देखो अम्मा, जो मर्द अपने भाइयों और माँ बाप का नहीं हुआ, वो बीवी का कैसे होगा? अरे चुप कर जा कमबख्त, हर वक्त मुंह से उल्टे सीधे बदफाल ही निकालता है। अरे अभी तो मेरी मलका के राज करने के दिन आ गए। फुरकान ना कुछ दिनों के लिए बदगुमान हो गया था, लेकिन अब अंधाधुन मेरी मलका पे एतमाद करता है। अरे मैंने तो बरसों खिदमत की फुरकान की और उसके घर वालों की, तब जाके कहीं ये इज्जत और मकाम मिला है मुझे। दिन रात एक कर दिया मेरी मलका ने, मेरे ही मशवरे पे अमल करती थी और आज भी मेरी वजह से तुझे कामयाबी मिली है। तुझे याद है ना, मैंने कहा था बड़े मियाँ का कमरा मुझे दे देना। और आपा, देखो आपा मुझे नहीं भूल जाना, मेरी कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, अब एक कमरा मुझे कहाँ पूरा पड़ेगा आपा? मैं तो बड़ी अय्याशी के साथ बड़े से कमरे में रहना चाहता हूँ। बकवास अपनी बंद कर, ऐसा करते तुम दोनों यहाँ रहो, मैं अपने शोहर को और अपने बच्चों को लेती हूँ और कहीं बाहर चली जाती हूँ, सड़क में जाके बैठ जाती हूँ। हाय अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है, अपनी पड़ी रहती है तुम लोगों को, हर वक्त तंग आ गई हो तुम लोगों को पाल पाल के। भगवान भी अजीब परेशान से हैं और
भाई साहब का भी रवैया अजीब अजनबी सा हो गया है। मलका भाभी भी कमरे से बाहर नहीं निकल रही, अप्पा जी ने एक चुप साथ ली है, पता नहीं क्या बनेगा इस घर का। मैं सब महसूस कर सकती हूँ खुदी जगह भी, और यही खर्चा मुझे इस घर से जाने नहीं दे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि सलमान ने वहां घर ले लिया, मगर मेरा जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। देखो चंदा, अब ऐसे कब तक चलेगा? सलमान वहां अकेला तो नहीं रह सकता ना, और सुरेश पप्पू ने मुझे बताया है कि उसने वहां तुम्हारी पढ़ाई का बंदोबस्त भी कर लिया है। अपनी नई जिंदगी का आगाज तो करना है। देखो मेरी मानो तो तुम सारे मसले मसाइल भूलकर इस्लाम आ जाओ, अपने शौहर के साथ रहो, खुश खुश रहो। मलका भाभी भी तो यही चाहती है, अगर मेरे जाने के बाद उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी तो अपनी असलियत दिखा चुकी। सबको पता है कि भाई साहब के कमरे से इतने शोर की आवाजें क्यों आती हैं। अब्बा जी को भी बहुत भरोसा था मलका भाभी पे, इसीलिए वो इतना डूब गए। अब्बा जी को सब पता चल गया, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि इन तीनों भाइयों को उनके इरादों की समझ क्यों नहीं आती। मैंने सलमान को भी बताने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझ पे नाराज हो गए। देखो इस घर में कभी भी कोई भी मलका भाभी के खिलाफ कोई बात सुनने या कहने को तैयार नहीं होता, ऐसा ही है। देखो तुम मेरी मानो तो चुपचाप इस्लामाबाद जा, सलमान को इत्माद में लेकर सुरेश को भी अपने पास बुला लो। वही बात अब्बा जी की, तो मैं हूं उनका ख्याल करने के लिए। मेरी फिक्र मत करो, मुझे बहुत साल हो गए इस घर में, मुझे आदत है मलका भाभी के बदलते मूड के साथ चलने की। परेशान मत हो, अपने बारे में सोचो। अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, इस वक्त तुम्हारे पापा तुमसे वक्ती तौर पर नाराज हैं, इससे पहले कि बात बढ़ जाए उन्हें मना लो। कह तो दिया सॉरी, और क्या कहूँ? ये लफ्ज़ जो सॉरी है ना, इससे बात बनने वाली नहीं है। उमर को देखा तुमने, अपने बाप को कैसे काबू में किया हुआ है। बेटा तुम्हारे पापा इस घर के सबसे बड़े हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, तुम्हें चाहिए कि उनको अपने हाथ में करो। आज तुम्हारे पापा आए, उनको सलाम करो, सॉरी कहो, उनको मनाओ, उनको चाय पूछो, पानी, उनकी खिदमत करो, उनको उनके आगे पीछे फिरो। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, बोर होती हूँ मैं। तुमसे तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेकार लड़की हो तुम। बोर होती हूँ, ये होता है वो होता है, निखट्टू हो तुम बिल्कुल। इससे तो बेहतर था कि कोई मेरा बेटा हो जाता, निखट्टू होता, कुछ ना करता, लेकिन कम से कम जायदाद का वारिस तो होता वो। हाँ तो आपको जायदाद और पैसों से प्यार है ना? ना मुझसे प्यार है और ना ही मेरे पापा से प्यार है। एक बात बता दूं मैं आपको मामा, आप ये सब जुल्फी मामू और नानों के लिए कर रही है ना, वो लोग भी आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, उन्हें बस अपनी आधी जायदाद चाहिए। अगर आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रही होती तो मैं आपका इसमें साथ भी देती, लेकिन आपको तो जुल्फी मामू और नानों की खुशी अजीज है ना, तो करें उनके लिए, मैं आपका इस गेम में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। क्या लड़की है, नहीं समझ रही हूँ। तेरे बिन मैं कैसे जिया, कैसे जिया। क्या मुसीबत है अम्मा, तुम इंसान को सही तरीके से एंजॉय भी नहीं करने देती हो। बता तुम्हारे, मुझे ये बता, ये रोज नया फोन, रोज नई बातें कहाँ से आ रही हैं? हैं? आज तो मैं तुझसे पूछ के रहूंगी, मुझे सच सच बता, ये पैसे कहाँ से आए, क्या चक्कर क्या है ये? आहिस्ता बोलो अम्मा, पापा सुन लेगी तो। आई मैं मर गई, मेरा शक सही निकला, तूने अपने आपा के बटुए पे हाथ साफ कर दिया। ओए कमबख्त मारे तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए, इतने सारे लोग रहते हैं, उनकी जेब काट ली होती, मलका के बटुए पे डाका क्यों डाला? अरे मेरी बच्ची पता नहीं कितनी मुश्किल से इतने पैसे जमा किए होंगे और तूने हथियार लिए। अम्मा, अम्मा, जरा चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, देखो क्या हुआ, ये एलर्जी हो गई है, कैसे लाल हो गया सारा। ये तो तेरी गर्दन पूरी लाल हो गई। कितनी बार तुझे मना किया ना कि नकली जेवर मत पहना का,
तेरे पास अल्लाह का दिया इतने अच्छे सोने के सेट है, वो क्यों नहीं पहनती? अरे मैं क्यों नकली जेवर पहनूंगी अम्मा, मैं तो असली सोने के जेवर पहनती हूँ। अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहती, इस इतने बड़े घर की मैं बहू हूँ। माँ बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे सलमा है ना, सलमा भाभी उसी घर में लाद पे गई थी, वो वाला सेट भारी वाला नहीं है जो फुरकान ने मुझे शादी की सालगिरह पे दिया था, वो पहन कर गई थी मैं। तुम पता नहीं क्या समझती हो। बस अब मुझे समझ आ गया, सब समझ गई हूँ मैं। क्या? ये जो सलमा है ना, ये पूरे खानदान में मशहूर है बदनजरी की वजह से, उसी ने नजर लगाई है तेरे हार को, इसीलिए तो ये हाल हो गया मेरी बच्ची का। माँ कुछ करो, डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो कोई दवाई लगा दो मुझे। ना, बस कुछ करना पड़ेगा, चलो। अब्बा जी मैं जानता हूं फरखान तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं ये पूछूं कि चंदा को मिलने वाला हार अचानक तुमने मलिका को क्यों दे दिया। रातों रात तुम्हारा फैसला कैसे बदल गया ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। दोनों ही मेरी बहुएं हैं, मैं किसी एक की हिमायत नहीं करना चाहता, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन अब्बाजान मैं आपको वजह बताना चाहता हूं। अब जानते हैं कि मलिका की तबीयत जो है वो जरा। फरकान मुझे वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है बेटा, यकीनन मलिका बेटी अब खुश होगी ना। अब्बाजान उसे मसला नहीं है, मुझे है। मुझे लगता है कि इस घर में मेरी फैमिली के साथ एकसा बर्ताव नहीं किया जा रहा। मेरी बेटी रिदा को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से वो अब बड़ों से झूठ बोलने पर मजबूर है। मलिका ने हमेशा इस घर को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन आज मलिका से ज्यादा खदीजा और चंदा को अहमियत दी जा रही है। काश मलिका बेटी को इस घर में अपनी अहमियत और हैसियत का अंदाजा होता तो वो कभी ऐसा शिकवा ना करती। शिकवा वो नहीं है बाजान, शिकवा मैं कर रहा हूं। यही मैं चाहता हूं, और मेरी फैमिली की गर्दान भी सबसे ज्यादा तुम ही अलाप रहे हो फरखान, इसीलिए तुम्हारे बाप ने कुछ फैसले किए हैं और मुझे यकीन है कि वो फैसले सुन के तुम्हारी सारी शिकवे शिकायतें दूर हो जाएंगी। बहुत जल्द मैं सबके सामने उन फैसलों का ऐलान करूंगा। अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। आपने देखा है अब्बा जी हमसे उखड़े उखड़े रहने लगे, मैं तो इसलिए आपको कुछ नहीं बताती ताकि आप परेशान ना हो, लेकिन कुछ अरसे से मैं अब्बा जी को सलाम भी करती हूँ ना तो जवाब नहीं देते और कोई बात भी नहीं करते। ये सब कुछ उस हार की वजह से हो। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप बहुत भूले हैं फरकान।
जब आप और नुमान दफ्तर चले जाते हैं ना, तो खदीजा और चंदा अब्बा जी के कमरे में घुसकर घंटों उनके कान भरती हैं। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? क्या मकसद है उनका? मकसद अब्बा जी को बदगुमान करना है हमसे, हमारे हिस्से की जायदाद हड़प करना है। मुझे पता है आपको ये बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन यही सच है। दोनों हमारे खिलाफ एक हो गई। ये लोग जानते हैं कि हम दोनों बेवकूफ हैं, सादा हैं। सारी उम्र इस घर के लिए, इस खानदान के लिए कुर्बानियां देते आए, अब भी बेवकूफ बन जाएंगे। और हाँ, हमारा बेटा भी तो नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं लोग। इस सारी बात का बेटे के होने या ना होने से क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है, उसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। आप जानते हैं ना खदीजा को, उसके मुंह में जबान नहीं हुआ करती थी। अब जवान बेटा है तो अकड़ रही है। चंदा के भी बच्चे हो जाएंगे, बेटा होगा। हमारी तो सिर्फ बेटी है, अखलौती बेटी, वो भी चंद सालों में ब्याह कर चली जाएगी अपने घर, तो हम अकेले रह जाएंगे। हमारे पास तो कोई नहीं होगा ना, हम दोनों इनके रहमों का रब पर होंगे। पता नहीं फुरकान, मुझे बहुत डर लगता है आखिरी वक्त में कोई हमें पानी पिलाने वाला भी होगा कि नहीं। क्या सोच रहे हैं? यही कि भाई साहब अचानक से इतने पराए से लगने लगे। तुमने मुझे मलका भाभी के बारे में जो कुछ भी बताया, वो जानकर भी मैं आज तक यकीन नहीं कर पाया। चलो खैर, मलका भाभी तो काफी अरसे से इस घर में रह रही है, पर भाई साहब वो तो पिछले चंद दिनों में ही बदल से गए हैं। वो मुझे मलका भाभी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन भाई साहब का कोई कसूर नहीं है, आप दोनों भाई हैं और वो बड़े हैं आपसे, पहल आपको करनी चाहिए। जानने की कोशिश करें कि क्या गलतफहमी है और दूर करें उसे। मुझे डर है खदीजा कि कहीं ये गलतफहमी दूर होने की बजाय बढ़ गई तो। पता नहीं फुरकान आपको नजर क्यों नहीं आता, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इतने सालों में कभी मेरी वजह से आप भाइयों के दरमियान इतनी सी भी गलत फहमी हुई? नहीं, कभी नहीं। मैं कभी आप भाइयों के दरमियान में नहीं आई। मेरी अम्मा ठीक कहती है, आजकल शादी के बाद लड़कियां नहीं लड़के पराए होते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खैर से आपके दोनों भाई पराए हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं, उस दिन मैंने घर पर मलकिया जिताने की बात किसी लालच में कही थी? इतने बरसों से जानते हैं आप मुझे। अरे मैं ही तो हूं जिसकी वजह से आपका ये खानदान, ये घर एक है आज तक। सारी उम्र मेरी इस घर की और इस घर के लोगों की खिदमत में गुजर गई। अच्छा सिला मिला है मुझे। अरे मेरे दिल में कोई लालच नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज भी मैंने ये बात ना की तो मैं और आप हाथ मलते रह जाएंगे। घर का नाम होना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक कागज का टुकड़ा है जो अब्बा जी की अलमारी में पड़ा सड़ रहा है। आप देखिएगा, चंदा और खदीजा की नस्लें इस घर में परवान चढ़ेंगी, बल्कि उनकी नस्लों की नस्लें, और हम दोनों उनके रहमो करम पर होंगे। क्या यही चाहते हैं आप? सिर्फ इसी डर से मैंने घर की मलकियत की बात की थी। क्या कुछ गलत कहा, कुछ गलत किया? नहीं मलिक, ना तुम गलत सोच रही हो और ना ही गलत कह रही हो। मैंने अब फैसला कर लिया कि अब मैं सबसे दो टोक बात करूं। नहीं,
नहीं, मैं ये गलतफहमी बढ़ने नहीं दूंगा, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं कल ही सलमान को फोन करके कराची बुलवा रहा हूं। दुनिया की कोई ताकत हम भाइयों के बीच में दीवार खड़ी नहीं कर सकती। हम सब इसी घर में रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे अब्बा जी की दुआओं के साए तले।